होता है कल्याण विश्व का यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और सब जप तप और अन्य सारे कार्य उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जितना महत्वपूर्ण यज्ञ है। यज्ञ में जप भी है, तप भी है, साधना भी है, और यज्ञ अपने आपे में सभी देवताओं को प्रसन्न करने का एक सुंदर मार्ग है। इसलिए कहते हैं अग्निर्वै मुखम देवानाम, देवताओं का मुख अग्नि है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, समस्त सृष्टि का केंद्र भी यज्ञ को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है पूरा सृष्टि चक्र यज्ञ ही है। हवाएं हमें जीवनदायी प्राणवायु दे रही हैं, जलों के द्वारा हम सब का कल्याण हो रहा है, नदियां दौड़ रही हैं सागर की ओर, और नदियों को जल दे रहा है बादल, और चारों तरफ आप किसी भी चीज़ में देखेंगे यज्ञ दिखाई देता है। इसलिए यज्ञ से अपना कल्याण हम लोग कर सकते हैं। जब कोई यज्ञ हजारों लोगों के साथ मिलकर किया जाता है, जिसमें ब्रह्मचारी आकर बैठें, आचार्यगण आकर बैठें, गुरुजन आकर बैठें, तब उस यज्ञ की महिमा ही अद्भुत हो जाती है। हजारों कंठों से निकले हुए मंत्र और हजारों तरह से मंत्र पाठ की विधियां की जाएं, निश्चित रूप से कल्याण करती हैं। तो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आनंदधाम आश्रम दिल्ली में इस बार फिर से श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, सुख समृद्धि के लिए हम जरूर पधारें। और ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, विषमताएं हैं, और उन विषमताओं में हम सबको आर्थिक समृद्धि की बहुत आवश्यकता है। भगवान सबकी लाज रखें, इसलिए यज्ञ में सब शामिल हों, हो सके अपना श्रीयंत्र साथ लेकर आएं, जिससे आप वरदान विद्या आप यहाँ सीख सकें। आप सबको निमंत्रण है, अवश्य पधारिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। यजमान बनने के लिए संपर्क करें श्री ललित कुमार 9312284390 8826891959। आयोजक विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, बकरवाला, नई दिल्ली 110041।